तो जो शेप वगैरह का आइडिया लग गया था सबको, कैसे है ना मॉलिक्यूल्स की शेप वगैरह बनानी है हमने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो CH4 में टेट्राहेड्रल शेप होती है। ये आपको समझ आ गया था, टेट्राहेड्रल शेप। सर हमने सारी शेप कर ली थी और उसके बाद हाँ फंटा ऑक्सी एसिड वाला कर रहे थे, एसिड वाला। हाँ चार चार सिग्मा बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर। क्या था सेंट्रल एटम पे? चार सिग्मा बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर। तो हमने चार पेयर्स को सजाना था। किनको सजाना था? चार पेयर्स को। NH3 में भी बच्चों क्या होता है, तीन बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। वो आपने निकालना सीख ही चुके हो आप लोग, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अभी भी उतने ही लोगों को सजाना है आपने, सिर्फ फर्क क्या है, एक बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर आ गया ना। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो सजाने का तरीका बिल्कुल वही रहता है, एक बॉन्ड की जगह क्या आ गया, लोन पेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? क्राउडिंग अभी भी भीड़भाड़ चार ही लोगों की है, एक लोन पेयर है उनमें और एक और तीन क्या है, बॉन्ड पेयर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? आदित्य कल एबसेंट आ गया? यस सर। ओके, तो कल वाली क्लास देखी तुमने, रिकॉर्ड लेक्चर? सर अभी नहीं देखी, वीकडेज में देखी। कल थोड़ी सी नई चीज पढ़ी थी हमने एक्चुअली ना, तो ओके सर। सर नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है पर। हाँ अभी आ रहे हैं उस पर, आते हैं। पहले ये बताओ यार मेरे को, कितने बॉन्ड सजाने हैं? समझ में आ गया सबको, सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर। इस भीड़ भाड़ में बच्चों हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को। सिग्मा और पाई बता चुका हूं मैं आपको या नहीं? सांझ नो सर, सिग्मा नहीं होता है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया आपको कि तीन बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अभी भीड़ भाड़ वैसी रहेगी ना यार, तीन हाइड्रोजन एक लोन पेयर, अभी भी भीड़ भाड़ वैसी रहेगी। सिमिलर ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। शेप के टाइम पे हम एक बस क्या फर्क पड़ा है कि बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड्स को देखते हैं शेप में। तो बच्चों शेप डिसाइड करते वक्त अमोनिया का, हम लोन पेयर को छुपा देंगे लोन पेयर को, मतलब उसको इग्नोर करेंगे। तो शेप का नाम थोड़ा क्या बोलते हैं, इसको पिरामिडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडल शेप, वी कॉल इट पिरामिडल शेप। लेकिन बेसिक ज्योमेट्री वही रहेगी, चार ही पेयर्स को सजाना है। यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड्स थे, मतलब चार सिंगल बॉन्ड्स थे, और अब सिंगल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड की जगह आ गया लोन पेयर। ठीक है ईशान, समझ में आ गई बात? तो सर वो लोन पेयर क्यों आया, H4 क्यों नहीं हो गया? अबे यार तू यार शेप बतानी है, NH3 की NH4 की थोड़ी ना बतानी यार, हैं अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा। कैसा है सीखा तो होगा ना यार, कैसी बात करता है? NH4 क्यों नहीं हुआ, हो जाएगा क्या? मतलब शेप मैं बना रहा हूँ NH3 की, तू बोल रहा है NH4 क्यों नहीं हो गया, अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा मेरे भाई, है ना? NH3 होता है नहीं होता है?
होता है ना, होता है सर, बनाया ना इसका शेप, तो हम एनएच3 की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम शेप कैसे बनाते हैं समझ आ गया, बॉन्ड और लोन पेयर हमने देखने हैं। अच्छा सर सिग्मा बॉन्ड बता दो। हाँ अभी नहीं बता रहा मैं, रुक जा अभी, जो वक्त ईशान है तो पढ़ाने दिया तो बीच में अपनी H2 का बना स्ट्रक्चर और बता मुझे कैसे सजाएंगे इसको। इसमें कितने क्या आ रहे हैं सर? बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही सजेगा, शान सुना रहे हैं? यस। तो बाहर कितनी क्राउडिंग है सेंट्रल एटम के बाहर? ठीक है शान, ओके सर, अभी भी सेम क्राउडिंग है, इसको भी वैसे ही सजाएंगे। NH4+ इसकी शेप बनाओ। सर इसमें चार्ज सेंट्रल एटम पे लेते हैं? हाँ हमने ना किया था ना लास्ट क्लास में डिस्कस, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम एक्सेप्ट वो ऑक्सो एसिड्स वाले में, बस ऑक्सीजन पे लेते थे। ठीक है सांच, यस सर। सर हम इन्हें इतने ज्यादा डिफरेंट शेप्स में बनाते क्यों हैं फर्स्ट प्लेस में? सर चार बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर। यस सर, फोर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं। ठीक है, फोर बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर, कैसी शेप आ रही है फिर, क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हाँ जी, क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत? PCl4+ धीरे धीरे आ रहे हैं, जायद तुम्हारे उस पर भी कार्बन टाइम पे है ना, एक ऑर्डर में चलेंगे बच्चे। PCl4+ बनाओ सर, नाइट्रेट आयन। हाँ हाँ सब बताएंगे, PCl4+ बनाओ, PCl6- बनाओ।
सर फोर बॉन्ड पेयर एंड एंड 12 लोन पेयर Yes, sir. PCL 4 plus 4 bond pair or 12 loan pair. The PCL 6 minus K, 6 bond pair or 18 loan pair. Okay. आदित्य इस तरह से इसमें है ना आदित्य इसमें हम सेंट्रल एटम पे मान लेते हैं आदित्य चार्ज को ठीक है जैसे एन एच फोर प्लस में आदित्य नाइट्रोजन तो पांच की जगह चार इलेक्ट्रॉन रह गए ठीक है चार इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में चार एच के साथ ठीक है आदित्य समझ आ गया यस ऐसे पी सी एल फोर में फॉस्फोरस में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस वन चार्ज माना तो पांच इलेक्ट्रॉन आ गए सॉरी चार आ गए चार के चार गए शेयरिंग में चार क्लोरिन के साथ तो बन गया ये फिर से सेम शेप आ रही है NH4 plus PCl4 plus CH4 सबकी सेम शेप आ रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है PCl6 minus में एक एक्स्ट्रा हो गया पांच और एक छह छह हो गए yes, है ना बच्चों तो सेंट्रल एटम पे तो छह बॉन्ड बन गए और वो हमने आदित्य कल पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल शेप प्लेन में स्क्वायर बनता है आदित्य और एक बॉन्ड ऊपर स्क्वायर के और एक बॉन्ड नीचे ये 3D में है ये शेप सारी ठीक है इसको ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोलते हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल सबको समझ में आ गया बच्चों इतना किसी को कोई दिक्कत यहां तक बता दो यार किसी को छोटे छोटा कोई भी डाउट हो तो पूछो कबीर उत्कर्ष सहन अच्छा अब मुझे बताओ CO2 की शेप बना के क्या शेप बननी चाहिए That linear. हाँ जी तो इसमें बच्चों आपने शेप तो बनाई मतलब बॉन्ड्स बनाए हुए दो डबल बॉन्ड आते हैं है ना कहने को तो चार बॉन्ड है लेकिन ये दो डबल बॉन्ड है अब आप मुझे खुद ही सोच के बताओ कि दो डबल बॉन्ड की शेप सी एच फोर जैसी होगी चार बॉन्ड की तरह लेंगे या बी सी एल टू के दो बॉन्ड की तरह लेंगे हम किसके ऐसी शेप लग रही है आपको सर सेकंड वाले के तरह बस दो लाइन आ जाएगी ठीक है समझ आ रहा है बच्चों तो डबल बॉन्ड को हम एक ही है ना काउंटिंग एक ही की तरह करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बाय पाई बॉन्ड में बाद में बताऊंगा आपको काउंटिंग एक ही की तरह करते हैं और हमारी लीनियर शेप आ गई इसकी भी इसके जैसी समझ में आ रही मेरी बात ठीक है तो डबल बॉन्ड भले ही है लेकिन उसको एक ही की तरह काउंट करना है क्योंकि एक ही एटम के साथ है ना तो बेसिकली क्राउडिंग हमें बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कितने घेर के खड़े हैं उसको वो उससे देखना है ना कितने नंबर ऑफ एटम्स घेर के खड़े हैं और एक लोन पेयर की अपनी आइडेंटिटी है ठीक समझ में आ रहा है सबको इतना कोई दिक्कत यहां तक यहां तक कोई दिक्कत बच्चों ठीक
ऑल राइट, अब आप मुझे बताओगे सोच के, कार्बोनेट आयन हमने बनाना सीखा था कल पिछली क्लास में, कार्बोनेट आयन सजाओ इसे और इसकी शेप बताओ कैसे होनी चाहिए। ट्रायंगुलर प्लेनर तो, ट्रायंगुलर प्लेनर आएगी ना। हाँ तो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उनमें दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लियर बच्चों? दो ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, मतलब उनको सिंगल बॉन्ड मिलेगा और तीसरे वाले ऑक्सीजन को क्या मिलेगा डबल बॉन्ड। ठीक है साइंस, समझ आ रही बात? बेसिकली क्राउडिंग तो तीन की ही है और तीन की क्राउडिंग क्या बना देती है, ट्राइंगल बना देती है, ट्राइंगुलर प्लेनर। Understood? ठीक है तो आदित्य ये ऑक्सो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं ऑक्सो एसिड्स? ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जैसे H2CO3, ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनमें H जो है O से अटैच होता है। H किस से अटैच होता है? O से, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो H O से H+ निकला कार्बोनेट आयन बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमें ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन जिन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उनको सिंगल बॉन्ड चाहिए और कार्बन के बाद चार इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया पूरे ऑक्सीजन को। ठीक है सल्फेट आयन बनाओ, फॉस्फेट आयन बनाओ, सर 10 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर। शेप सजाओ इसको, शेप बनाओ इसकी क्या बनेगी। हाँ जी सर, दोनों में शेप तो टेट्राहेड्रल है पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे बनेंगे वो समझ में नहीं आया। ये शेप हमने कल भी बनाई थी ना ईशान, तो लोन पेयर 12 होंगे ना फर्स्ट वाले में या फिर कितने होंगे? ये शेप हमने कल भी बनाई थी,
यस सर टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा सल्फेट विल बिकम टेट्राहेड्रल क्योंकि चार ऑक्सीजन आ रहे हैं और कोई लोन पेयर है नहीं सल्फेट सल्फर के पास सब कुछ चीज है ना फॉस्फेट में फिर से चार ऑक्सीजन आ रहे हैं और कोई लोन पेयर है नहीं फॉस्फोरस के पास बताओ जो समझ आ गया इतना सबको हाँ और कुछ पूछ रहा था ईशान सर बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे दोनों में फोर या फिर देख ले बॉन्ड कितने हैं कितने दिख रहे हैं तेरे को सर फोर दिख रहे हैं बॉन्ड पेयर तो डबल बॉन्ड नहीं गिनेगा मैं डबल उसे डबल की तरह गिनना या फिर मतलब सिंगल यार फिर वही बात है ना बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड ही गिनेगा ना यस सर सर हाँ शेप से फर्क पड़ेगा अगर हमने बॉन्ड सही बनाए हो तो शेप से फर्क पड़ेगा मतलब समझा नहीं नहीं सर मतलब जैसे जो लेआउट है इनका हाँ तो वो मतलब ऐसे ही बनाना जरूरी है या फिर कैसे भी बना सकते हैं नहीं लेआउट तो यार देख शेप तो यही आएगी और कोई लेआउट नहीं बनाना हमने है ना पर कोई पूछेगा ढंग से अभी तो वैसे 9 10 में तो कोई पूछेगा नहीं 10th में तो लेकिन जब बनाएंगे तो हम यही बनाएंगे शेप टेट्राहेड्रल शेप और कोई लेआउट नहीं बनाना हमने कितनी बार बोलूं छह बॉन्ड दिख तो रहे हैं तेरे को यार अभी तो बताया था क्वेश्चन पूछने लग गया तुम्हें ईशान बॉन्ड ही दिख रहे ना यार सर अब समझ में आ गया कैसे बहुत मजे लेता है सर पहले मुझे लग रहा अभी एक ही लेंगे ठीक है बच्चों समझ आ गया सबको शेप वगैरह थोड़ा बनाना ओके अब है ना जायद नाइट्रेट आयन में एक अलग चीज है उसके लिए हमें बच्चों एक और चीज पढ़नी पड़ेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ाना हमने कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इस बच्चों बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बिना नहीं बना सकते बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बिना नहीं बना सकते कम से कम 4-5 एग्जांपल्स ऐसे हैं जो अभी से आपको पता होने चाहिए जिनका हम स्ट्रक्चर बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नहीं बना सकते कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो देखते हैं सर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के अंदर ही आता है ना हाँ स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग है अभी लिखवाऊंगा मैं सर मतलब एक ही एटम शेयर कर एक ही एलिमेंट शेयर करता है एटम अभी बताऊंगा एक सेकंड रुक जा CH4 में बच्चों जो बनाए बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का बराबर की शेयरिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रखा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रखा ऐसी शेयरिंग हो रही है ठीक है सांझ समझ वाली बात कैसी शेयरिंग हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का ठीक है तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का ये सीन है वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखना कहाँ पे बनेगा बहुत स्पेशल कुछ जगह बनेगा BF3 इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्या इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट समझते हो सब लोग सबको समझ आती बात ही बनाना सीख लिया हमने BF3 कैसे बनता है बोरॉन के बाहर तीन इलेक्ट्रॉन्स तीनों चले गए शेयरिंग में ऑक्टेट जो इनका जिनका इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं
तो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, और इसके पास लोन पेयर है। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स जब, ऐसे दो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जब आसपास आते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, हेल्प करता है BF3 की। कैसे हेल्प करता है, अपना लोन पेयर शेयरिंग में रख देता है कि भाई ध्यान से देखना बच्चों, इसको स्पेशल चीज है। NH3 के पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन रिच अमीर, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि गरीब। ये लोग हमारी तरह नहीं होते, ये लोग जब अमीर गरीब मिलते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पे शेयरिंग में रख दिया बोरॉन के साथ, क्या हुआ इससे, बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इस शेयरिंग में बच्चों क्या खास बात है, खास बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में किसके हैं, नाइट्रोजन के, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डिफरेंस बना रहे बच्चों, ठीक है। ऊपर था एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का, इक्वल शेयरिंग हो रही थी, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग वाला। कोऑर्डिनेटर इज अ बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग, ठीक है कबीर, जिसमें बोथ दी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू सेम एटम, बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू सेम एटम, स्पेशल केस है, कहीं कहीं कुछ जगह बनेगा। बताओ बच्चों समझ में आया इतना सबको, आदित्य क्लियर है ये, एनी डाउट? नो सर। ठीक है जाहिर, यस सर। ठीक है ईशान, यस सर। वो जो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, NH3 ने लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेट को एरो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है किसने दे दिया, शेयरिंग में रखा है, क्योंकि अगर दे देगा तो यार नाइट्रोजन का खुद का ऑक्टेट खत्म हो जाएगा, उसका ऑक्टेट भी इसी वजह से, इसके लोन पेयर की वजह से, तो शेयरिंग में रख दिया। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ये मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अब हमें देखना है कहां कहां ये यूज होगा, ठीक है, समझ में आ रही सबको बात यहां तक? कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स में हम बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बना ही नहीं सकते, जैसे CO2 तो हम मजे में बना लेते हैं, CO2, ठीक है जायद, CO2 तो हमने मजे में बना दिया, इन कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या, वो कैसे बनेगा, वो बच्चों बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हम सोच ही नहीं सकते। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है, आपको पता है ना CO2 भी एग्जिस्ट करता है, CO भी एग्जिस्ट करता है ना? Yes, sir. है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने मजे बना लिया कि यार दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए, ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करें, तो मैं आपको जगह पे इसको सोचना है, अप्लाई करने की कोशिश करनी है। दो इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर दिए ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने अपने, ऑक्सीजन का तो भला हो गया, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन का तो भला हो गया, कार्बन का तो भला नहीं, उसको तो चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, उसको अभी दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है ईशान समझ आ रहा है? यस सर। और दूसरा ऑक्सीजन तो आया ही नहीं, धोखा दे गया, छुट्टी पे चला गया आज, है ना? तो क्या होगा बच्चों, तो कार्बन की हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट करेगा सबको, बात बताओ बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पॉसिबल था क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना? सर क्या हुआ अभी, क्या हुआ फिर तो बताना, ये नीचे तीसरा एरो कैसे है?
तो ईशान डबल बॉन्ड बन गया था, ठीक है, कार्बन को, लेकिन चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, दो दो तो इस ऑक्सीजन ने दे दिए, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन छुट्टी पे चला गया, CO2 वाला दूसरा ऑक्सीजन छुट्टी पे चला गया, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा था, तो ईशान इस ऑक्सीजन ने ही क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया, बता समझ में आया? ओके सर, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत बची थी ना, तो वो कहां से आ गए, वो इस ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है जरूरत पड़ने पे, तीसरा क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ने पे, नाइट्रोजन हमेशा तीन बॉन्ड बनाता है, लेकिन चौथा कोऑर्डिनेट बना सकता है जरूरत पड़ने पे, चौथा क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ने पे, ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल बताऊंगा तो फिर आपको खुद से सोचना होगा उसमें। स्टेप वाइज पहले कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना, कभी समझ आ रहा है, एनी डाउट कभी? तो सर हम ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस में हमें थ्री वाला करना है, मतलब कि थ्री बॉन्ड बनाना है या फिर किस में नहीं? बेटा तो सोचना तो तेरे को ही है ना यार, पता चलेगा, कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना, आकाशवाणी थोड़ी ना होगी यार, सोचना तो पड़ेगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है तुझे, तू कैसे बनाएगा तू बता मेरे को, है अपने आप जब तू बनाएगा तो तेरे को पता चलेगा ना कि मेरे को जरूरत पड़ रही है, कुछ कुछ तो अलग करना पड़ेगा इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया था मजे में, दो ऑक्सीजन ने कर दिए थे हेल्प कार्बन की, अब एक ही ऑक्सीजन कैसे करेगा कार्बन की हेल्प, बता? और शेयरिंग कर, है ना, कोई आकाशवाणी नहीं होगी भाई, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे केमिस्ट्री में दिमाग कैलकुलेशन में नहीं लगाना, ये सब जुगाड़ लगाने में लगाना है भाई, ठीक है, सहन क्लियर है, उत्कर्ष कबीर कम बोलने वाले बच्चे क्लास के, कबीर अंडरस्टूड कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ओ टू ऑक्सीजन तो जानते हो आप, मजे में बना दोगे, ओ थ्री ओजोन, सोचो और बनाओ,
सर O3 में लोन पेयर 6 है. अच्छा और ऑक्सीजन तो इजीली बन जाता है बच्चों है ना. यस सर O2 तो बन गया. अब एक और ऑक्सीजन आ गया, एक और ऑक्सीजन एटम आ गया, क्या करेंगे? सर तीसरा वाला कोऑर्डिनेट बनाएगा. कोऑर्डिनेट बनाएगा. मेरी बात समझ आ रही है सबको? कोई दिक्कत? यस सर. ईशान, आदित्य, कबीर, ओजोन में भी बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है. अब आप ये बोल सकते थे कि सर हम इसमें दो डबल बॉन्ड क्यों ना लगा दें, है ना? तो ऐसा नहीं, ऑक्सीजन नहीं बनाता. अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं. अच्छा मैंने आपको बता दिया ना, हाँ, कि सेकंड ग्रुप वाले, सेकंड पीरियड वाले ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, ये बताना ना लास्ट क्लास में. यस सर. यस सर. क्योंकि उनके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है ना. तो दो डबल बॉन्ड के साथ अगर एक लोन पेयर लग गया तो फिर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 हो गए ना. समझ में आता है सबको? तो दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है जायद. यस. बताओ जो ओजोन का समझ में आ गया सब कुछ स्ट्रक्चर ओजोन का? सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बाद तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना सकता है, बस दैट्स इट. नाइट्रोजन तीन बॉन्ड के बाद चौथा कोऑर्डिनेट बना सकता है, दैट्स इट. सर वो जो एक एरो है कोऑर्डिनेट का मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक नहीं कर सकते? एक करने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा या? बता सर. ने इस वाले मॉलिक्यूल में नहीं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो तो लेकिन मतलब तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने से है ना. यस सर. तो सर जब दो हैं तो एक एरो क्यों बने हैं? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं ईशान? एक ही एटम. तो कैसे दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को? ऐसे दिखाते हैं ना. यस सर. बस तो फिर खत्म होगी बात, ठीक है. अब जायद तू सोच नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर. आप इधर आओ. इसमें दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे क्या? क्या बोले ईशान? सर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे क्या? नहीं. जायद बनाई? सर बना रहा हूँ. सर मेरा बन तो गया है, एक बार बता दो.
इसका अरे NO3 माइनस का दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं नहीं गलत दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब चार इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चले गए ना ईशान यस सर तो कितना हो जाए एक इलेक्ट्रॉन बचा नाइट्रोजन के पास यस सर तो बच्चों एक ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा है ना एक ऑक्सीजन को मिल गया डबल बॉन्ड तो अभी जो मैंने बताया आपको वो बिल्कुल एज इट इज ध्यान रखना है नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा और चौथा क्या करेगा कोऑर्डिनेट कोई दिक्कत इसमें ठीक है सांझ आदित्य समझ आया वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन का हाँ ईशान अब तू बता तू क्या कह रहा था कितने क्या कर दूं दो कोऑर्डिनेट लगा दूं बता क्या करूं नहीं सर सर मुझे समझ में आ गया मैंने थोड़ा गलत किया था जाहिद समझ में आ गई यस तो बच्चों सिंपल सा फंडा है ना नाइट्रोजन तीन नॉर्मली बॉन्ड नॉर्मल कंपाउंड्स में तीन बॉन्ड बनाता है जरूरत पड़ने पे सर एक फॉर्मल चार्ज का भी फॉर्मूला होता है वो उधर लगाना होता है हाँ अभी अभी उतना नहीं कर सकते ना ज्यादा जाएगा थोड़ा अभी के लिए बाद के लिए रखते हैं इसको 11th में ठीक है ठीक है जो नाइट्रेट आयन समझ आया सबको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओके तो ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रेट आयन ये सब के सब जो हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही समझ सकते हैं एक होता है HCN एक होता है HNC सोचो दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत पड़ रही है देखो सर HNC का केमिकल नेम क्या होता है बेसिकली इनको बोलते हैं साइनाइड्स है ना आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे RCN और RNC ग्रुप्स दो ग्रुप्स होते हैं ये होते हैं आइसोसाइनाइड्स फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक में भी आ जाएंगे
सर एचसीएल में तो नहीं जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेट. हाँ सही बात है, एचसीएल में तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि चार बॉन्ड बनाने थे कार्बन के, मजे में बन गए. कार्बन नाइट्रोजन को तीन बॉन्ड चाहिए था. लेकिन लेकिन जब हम एचएनसी बनाएंगे कार्बन साइड में और उसको चार बॉन्ड की जरूरत है. ठीक है बच्चों, कैसे होगा ये चीज? कार्बन साइड में उसे चार बॉन्ड की जरूरत है. एक बॉन्ड तो, एक एटम तो चार बॉन्ड बना नहीं सकता, वो तो कोऑर्डिनेट ही कर सकता है जैसा सीओ में हुआ था. एग्जैक्टली कार्बन को चार की जरूरत थी तो ऑक्सीजन ने क्या किया था, कोऑर्डिनेट. अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कर दिया. समझ में आ रहा है सबको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज? यस सर. यहाँ पे बच्चों इन सब जगह पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जिन जो गरीब होते हैं लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं. लोन पेयर एक्सेप्टर उनको बोलते हैं लुईस बेस. क्या बोलते हैं उनको? लुईस एसिड. और इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर जो देते हैं, लोन पेयर डोनर अमोनिया इज बेस. अमोनिया बेस है. क्यों है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है. नई चीज, नई थ्योरी, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. So all electron deficient compounds, all गरीब compounds are Lewis acid, acidic in nature. कैसे होते हैं वो? Acidic nature के होते हैं. Clear everyone? So according to Lewis theory, जो lone pair दे वो base, जो lone pair ले accept करे वो एसिड. ये बच्चों आप बिल्कुल ऐसे भी समझ सकते हो, नॉर्मल एसिड बेस थ्योरी से भी समझ सकते हो. नॉर्मल एसिड बेस में क्या होता है? H प्लस और OH आयन मिलके पानी बनाते हैं. yes. उसमें ये लोन नेगेटिव चार्ज क्या है? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच. समझ आ रहा है शान? और H प्लस मतलब क्या है? गरीब. H प्लस क्या होता है? प्रोटॉन. एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास. H के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, वो भी निकल गया. इसको डुएट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? OH इसको कोऑर्डिनेट करेगा. OH अपना लोन पेयर शेयर करेगा. H प्लस के पास तो बचा ही नहीं ना बच्चों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए. समझ में आ रही बात? तो एच टू कैसे बना होगा यहाँ पे? यहाँ पे एच टू ऐसे बना होगा कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर को शेयरिंग में रख दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया H प्लस के साथ. बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? यस. ठीक है सर, समझ में आ गई बात? यस. क्लियर आ रही है ना? यस सर. अमोनिया बेस H प्लस एसिड क्या बनेगा? NH4 प्लस अमोनियम आयन. कैसे बनेगा? अमोनिया अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा H प्लस को. तो एक्चुअली में फिर ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर बच्चों. एक्चुअली में ये ऐसा दिखता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. समझना है आपको. अमोनिया प्लस HCl,
बेस एसिड एसिड से एच प्लस निकल के अमोनियम आयन पे अमोनिया पे चिपक जाएगा, अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल। अमोनियम क्लोराइड में सारे टाइप के बॉन्ड है, अमोनियम आयन में कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, और एक अमोनियम आयन और दूसरे क्लोराइड आयन में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो अमोनियम क्लोराइड में सारे बॉन्ड्स हैं आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। बताओ जो समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? यस। ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें सारे टाइप के बॉन्ड्स हैं। ठीक है कबीर, आदित्य समझ में आ रही बात? यस सर। हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली बच्चों इसमें, है ना, ये सब आप आज रिवाइज कर लेना, स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने लिए, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर्स की जरूरत ऑब्वियसली अभी नहीं पड़ेगी आपको, 11th में पड़ेगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अभी से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना, बेसिक ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना, तो कोऑर्डिनेट 10th में है ना? हाँ है, कोऑर्डिनेट है 10th में, है ना, तो उसकी सर H2 और HIN का एक बार बना देना सर, वो हाइड्रोनियम बनाता है ना, वो भी कोऑर्डिनेट है। हाँ, उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, लास्ट एग्जांपल उसका वो आ गया। तो जो वाटर में जो H+ है वो हाइड्रोनियम आयन H3O+ की फॉर्म में घूमता है, पानी में जो H+ है किस फॉर्म में घूमेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, बनाओ खुद से, है ना। H+ क्या होता है, प्रोटॉन, हाईली अनस्टेबल, तो पानी में H+ बोलना गलत है, H+ बोलना गलत है, पानी में हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन H3O+। वी से कि पानी में हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है, ना कि H+। यस। H+ तो फटाक से रिएक्ट कर जाएगा H2O के साथ, बना दो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सर इसमें बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट हो गया है ना सांझ, यस ठीक है, शायद समझ आ रही हो, सिंपल है, यस लोन पेयर जो है ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट कर देगा, खत्म बात। सर वो कोऑर्डिनेट वाला हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है ना तीनों में से? हाँ कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें बच्चों क्या नाइट्रोजन की शेप चेंज हो रही है क्या, सोचो तो नाइट्रोजन की शेप चेंज होगी क्या, मतलब दोनों NH3 और NH4 प्लस में?
टेट्राहेड्रल हो गई पहले क्या थी ट्रायंगुलर प्लेनर पहले ट्रायंगुलर थी अब फिर टेट्राहेड्रल हो गई नहीं ट्रायंगुलर नहीं थी क्योंकि बच्चों शेप तो उसकी वही थी ना लोन पेयर को काउंट तो करोगे ना शेप में नहीं करोगे क्या ज्योमेट्री सेम नहीं थी शान पहले भी चार थे ठीक है सिर्फ सिर्फ फर्क क्या हुआ है बच्चे कि लोन पेयर की जगह बॉन्ड आ गया ठीक है तो ये ध्यान से लोन पेयर जो है बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है समझ में आ रही बात ईशान यस सर हाँ अब ध्यान से सेकंड वाले का आंसर लिखना है और बताना है कि कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है दोनों में लुईस एसिड लुईस बेस बताओ दोनों में कौन है सर Cl- माइनस बेस है और AlCl3 एसिड है और शेप्स ठीक है जो जिसका जो इलेक्ट्रॉन रिच है अमीर है वो बेस जो गरीब है वो एसिड Cl- आके इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा कोऑर्डिनेट करेगा शेप्स बता दो टेट्राहेड्रल बाद में शेप हो गई टेट्राहेड्रल यस सर बच्चों समझ आ रहा है सबको तरीका बताया था मैंने आपको कि चार इलेक्ट्रॉन्स मान लो तीन से चार हो गए माइनस आने से ठीक है सांच एनी डाउट ठीक है जायद समझ आ रही बात आदित्य क्लियर है यस सर सर लास्ट में कोऑर्डिनेट नहीं बना ना कोवेलेंट ही बना है नहीं नहीं कोऑर्डिनेट ही बनेगा कोऑर्डिनेट ही सर पर वो एल्युमिनियम को नेगेटिव मिल गया ना तो उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया अच्छे वो मैं बता रहा हूँ वो जुगाड़ था वो क्या था जुगाड़ अब तू अमोनियम आयन मैंने तो जुगाड़ से ही बताया था ना कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब ये थोड़ी ना हो गया वो तो इसने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया ना इसलिए तो अब पता चली ना वो तो जुगाड़ बताया था ना बनाने का अच्छा अच्छा ओके सर समझ में आ गई मेरी बात ठीक है सर आपने फिर लास्ट वाले उसमें एरो क्यों नहीं लगाया लास्ट वाले स्ट्रक्चर में अब लगा देता हूँ क्या दिक्कत है
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छे अब वो ये फंडा कि इसमें ना एरो के बिना, अगर हम बिना एरो के लगाएं तो फॉर्मल चार्ज लगा देते हैं जैसे तुमने बोला है ना, मैं ज्यादा उस पर जा नहीं रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। तो ठीक है यहीं पे इसको करते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। समझ काफी एग्जांपल्स हमने देख लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, समझ आ रही सबको मेरी बात? ठीक है, ALCL3 ट्रायंगुलर प्लेनर शेप थी, तीन ही बॉन्ड थे, ठीक है जायद। यस, यहां पे आके टेट्राहेड्रल हो गया यार, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, बस खत्म बात। एक बेस, एक एसिड अमोनिया में, ये बेस, ये एसिड, ये सब बच्चों आपको सीख लेना है अभी। गरीब लोग एसिड, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट, ऐसा रिएक्शंस होंगे, लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है, ठीक है, ये सब टर्म सीख लेनी है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है सबको? ठीक। और ये सब शेप्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज होता है, सारे मेन एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रेट आयन, HCN, HNC, मतलब जो भी है ना, सारे मेन एग्जांपल्स आपके हो चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, सब में ये सब आपको पता चल चुका है, बस इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नई चीजें सारी एक बार प्लीज आज जरूर, मतलब पूरा वीक है आपके पास, ये सारे एग्जांपल्स रिवाइज कर लेना वरना दिमाग, ठीक है? ओके ओके सर, बाय एवरीवन, है ना? बाय, थैंक यू सर, थैंक यू।